कबूतरबाजी करके सऊदी अरब भेजा गया। साथ ही महीनों काम कराने के बाद भी वेतन नहीं दिया गया। साथ ही वीजा व पासपोर्ट छीनकर मारपीट भी की गई है। जिसके बाद सऊदी में फंसे युवक की घर वापसी के लिए युवक की पत्नी ने उप जिला अधिकारी से वापस कराए जाने की गुहार लगाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं थाना एलाव क्षेत्र के ग्राम बिरतिया निवासी आनंद, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करता था और सऊदी जाकर प्रति महीना अब 90,000 कमाने के चक्कर में वहां जाकर फंस गया, जिसके बाद वहां उसके साथ उत्पीड़न किया गया। साथ ही फैक्ट्री के मालिक ने उसको मारपीट कर वीजा पासपोर्ट छीन कर भगा दिया। वही आनंद वहाँ भीख मांग कर अपना भरण पोषण कर रहा है। दूसरे देश में पीड़ित की पत्नी ने अपने पति के वतन वापसी को लेकर उप जिला अधिकारी से मुलाकात की, अपने पति को वापस वतन वापसी की गुहार लगाई है। साथ ही SDM ने कहा कि किसी भी भारतीय के साथ अन्याय नहीं होगा। रानी देवी पत्नी आनंद कुमार का प्रार्थना पत्र अभी आया है। ग्राम बिरतिया की रहने वाली हैं, ये थाना एलाव की हैं। इन्होंने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि इनके पति को कुछ लोग वर्क परमिट पे ले गए थे वहाँ पर काम कराने के लिए सऊदी अरब में। कुछ नाम भी बताया इन्होंने जो जिनके माध्यम से वहाँ सऊदी अरब गए हैं, और इनका आरोप ये है कि वहाँ पर उनको बंधक बनाया गया है। एक टेलीफोन नंबर भी दिया इन्होंने, जिसके माध्यम से इनके पास ये खबर आई, इनके पति से इनकी बात हुई। ये प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, इस पर हम लोग जाँच करा रहे हैं इन नंबरों की तस्दीक के लिए कि नंबर कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्या काम है। जो ब्रोकर ये अभी CEO साहब को हमने बताया, जिसमें सिटी है, तो इसकी जांच करा रहे हैं। और दूसरा ये कि जो भी इसमें प्रॉपर फोरम है, क्योंकि दूसरे देश का मामला है, तो जो प्रॉपर फोरम है वो यहाँ से जिला प्रशासन की तरफ से पत्र लिख करके जाएगा, और इसको हम लोग परसों करेंगे किसी भारतीय नागरिक के साथ किसी तरह का। जो भी यहाँ से ये होगा, विदेश मंत्रालय का है या MAC का है, जहाँ भी जाना है उसको हम लोग आज ब्रोकर मुमताज जो है उसने चीटिंग किया है उसको लेकर के इसको पुलिस के लिए लिखा जा रहा है कि पुलिस यहाँ पर जांच करेगी कि जिन लोगों ने इनको भेजा है किस तरह से भेजा, क्या वो वैध तरीके से भेजा, वैध तरीके से किस कंपनी के लिए भेजा है, किस काम के लिए भेजा है वहाँ पर, ये सारी चीज़ों की जांच करने के लिए पुलिस को भी एप्लीकेशन जा रही है। और साथ साथ इस मामले को जो है उच्च अधिकारियों के संज्ञान में ला करके और प्रभावी कार्रवाई कराने की कोशिश की। क्या कहा मैंने वापस बुलाया जाकर, उन्होंने ये बोला कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, तो दलाल के खिलाफ भी कार्रवाई की आपने मांग की है? हाँ। दलाल ने कितने रुपये ठग लिए थे? 1.5 लाख। अच्छा, तो ये दलाल की तरफ से संपर्क पता नहीं लग पा रहा था? पहले लगता रहा नंबर, जो यहाँ से जो चले गए फिर उसके बाद लगा ही नहीं नंबर। लखनऊ में कहाँ का रहने वाला है? यही पता नहीं है, कह रहा था आदमी नखलऊ रहते और आगे पता बताया नहीं। कैसे संपर्क हो गया तुम्हारे पति? पता नहीं, यही मैनपुरी में रोजगार करने आते थे, ऐसा ही मजदूरी, यहीं से कहीं संपर्क होगा, मैंने मालूम नहीं पड़ा। अच्छा, मालूम पड़ता है। और जो लोग संपर्क में हैं वो उनसे उनके साथ में थे? वो नाव के वो अलग से गए थे। अलग से गए थे, एसी के माध्यम से गए थे सभी? पता नहीं, इसी माध्यम से गए होंगे। पारुल हॉस्पिटल, SRS नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, ब्रह्मदेव मंदिर, ऑरेंज मंडल, आगरा रोड, मैनपुरी। ICU, NICU, PIC एवं वेंटिलेटर की सुविधा, सिर की गंभीर चोट का इलाज एवं जांच 24 घंटे सुविधा उपलब्ध। इमरजेंसी इंटेंसिफायर द्वारा हड्डी फ्रैक्चर एक्सीडेंट एवं गनशॉट का इलाज, सभी प्रकार की बीमारियों का उपचार एवं ऑपरेशन, दूरबीन विधि द्वारा पित्त की थैली की पथरी, गुर्दे की पथरी, हार्निया, रसौली, अपेंडिक्स, हाइड्रोसील, प्रोस्टेट एवं बच्चेदानी का ऑपरेशन, स्वच्छ जनरल वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, प्राइवेट वार्ड, AC की सुविधा, अनुभवी नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे उपलब्ध। हमारा मोबाइल नंबर है 9152604315 7830145860892390176।